Hey people, one of the most important feature according to me in Photoshop would be the ability to undo. क्योंकि जब हमें पता होता है कि हम जो भी करेंगे हम उसको undo कर सकते हैं तो हम freely work कर सकते हैं Photoshop में. Now, सबसे पहले तो I'll switch that to full screen with menus. I'll click on this and using my hand tool, I'll keep this in center. Basically, इसको switch करने का reason ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा space occupy कर सकें. Fine, now I'll go to image. And over here हमारे पास option होता है image rotation का. If I click on 90% clockwise, so you will see कि हमने अपनी image को rotate कर दिया है. Now, अगर मुझे इसे undo करना है, जो मैंने rotation किया है, उसको undo करना है, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे ways होते हैं. The first one we have is, अगर मैं edit menu पे click करती हूँ, तो आप देखोगे सबसे ऊपर मेरे पास option आता है undo rotate canvas. Means, जो भी आपने last step किया आपको उसे अगर undo करना है तो सबसे ऊपर edit में आपके पास हमेशा option आएगा जो भी आपका last step होगा आप उसे undo कर सकते हो. So if I want तो मैं यहाँ से click कर सकती हूँ. Next option is keyboard shortcut. अगर मुझे keyboard shortcut use करना है, for example अगर मुझे मेन्यू यूज़ नहीं करना और भी कुछ भी यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से करना है, सो आई कैन सिंपली प्रेस कंट्रोल जेड. सो कंट्रोल जेड इज़ द शॉर्टकट टू अनडू. फाइन, कमिंग टू द थर्ड थिंग, आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री पैनल होता है. आई विल एनलार्ज इट. फाइन, अगर आपको ये विजिबल नहीं है, अगर आपको बस साइड में ये पैनल नहीं आ रहा, तो आप विंडोज़ में जाके हिस्ट्री पे टिक कर सकते हो. जब आप टिक करोगे तो आपको अपने आप वो पैनल विजिबल हो जाएगा. नाउ, हिस्ट्री पैनल में बेसिकली क्या होता है, आप अपने फोटोशॉप में जो भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे. फाइन, जैसे कि अभी हमने डॉक्यूमेंट को ओपन किया, देन हमने उसे रोटेट किया, तो वो जितने आप स्टेप्स इसमें जो जो करते जाओगे यहाँ पे ऐड ऑन होता जाएगा. एंड अगर आपको कुछ अनडू करना है तो आप डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेप है, तो अगर मैं ओपन पे क्लिक करूँगी तो वो स्टेप अनडू हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीपल स्टेप्स भी हैं तो आप पैनल की हेल्प से मल्टीपल स्टेप्स भी अनडू कर सकते हो. वील सी दैट इन फर्दर. फॉर नाउ आई विल क्लिक ऑन ओपन एंड यू विल सी कि जैसे हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया था हमारे पास वैसे ही आ गया है. नाउ अगर हमें एक से ज़्यादा बार अनडू करना है, फॉर दैट सबसे पहले तो आई विल गो टू शेप्स. यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ऑप्शन होता है कस्टम शेप का, सो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन शेप में से आई विल चूज पिक्सल. एंड ओवर हेयर यू कैन सी यहाँ पे बस बहुत सारी शेप्स विजिबल हैं. अगर आपके पास ये सारी शेप्स नहीं आ रही, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस गियर आइकन एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑल का. सो जब आप ऑल पे क्लिक करोगी तो आप उसके बाद ओके प्रेस करोगी तो आपको ये सारी शेप्स विजिबल हो जाएंगी. फाइन, इन दिस केस आई विल सिंपली चूज अ क्लाउड फ्रॉम हियर. आई विल डबल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल स्टार्ट ड्रॉइंग लाइक दिस. आई विल ड्रॉ इट मेनी टाइम्स. फाइन, नाउ यू कैन सी जैसे जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड्स ड्रॉ करे तो यहाँ पे जितनी बार मैंने किया वो अलग अलग स्टेप्स में यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई. फाइन, नाउ इफ आई वॉन्ट, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो लास्ट जो मैंने क्लाउड ड्रॉ किया था वो रिमूव हो गया. सिमिलरली अगर मुझे एक साथ दो तीन स्टेप रिमूव करने हैं तो मैं यहाँ पे, जैसे कि अगर ये तीन स्टेप्स हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो वो तीनों स्टेप्स अनडू हो जाएंगे. फाइन, ऑल्सो आपके पास एडिट में भी ऑप्शन होता है. आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, अब स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड. स्टेप फॉरवर्ड मीन्स कि जैसे मैंने अभी जो अनडू किया, अगर मुझे कभी उसे रीडू करना है तो उसके लिए मैं स्टेप फॉरवर्ड पे क्लिक कर सकती हूँ या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ शिफ्ट कंट्रोल जेड. जैसे कि आपने कुछ अनडू तो कर दिया बट देन यू रियलाइज कि नहीं आपको वो चाहिए, तो आप उसको रीडू भी कर सकते हो. फाइन, देन वी हैव स्टेप बैकवर्ड. दिस इज़ बेसिकली लाइक कंट्रोल जेड, बट अगर आप एक दो स्टेप अनडू करना चाहते हो तो आप कंट्रोल जेड बार बार प्रेस करोगे तो वो नहीं होगा. उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट जेड प्रेस करना पड़ता है या फिर एडिट में जाके आप स्टेप बैकवर्ड पे बार बार क्लिक कर सकते हो. फाइन, नाउ हमारा जो हिस्ट्री सेव होता है वो 50 स्टेप्स तक होता है. मीन्स जैसे आप यहाँ पे अगर 50 स्टेप्स आप कर दोगे तो वो फिर हिस्ट्री पैनल से भी डिलीट होने लगता है. अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा चाहते हो कि वो स्टेप्स रिकॉर्ड करे, सो उसके लिए एडिट में हमारे पास ऑप्शन होता है, यू कैन गो टू प्रेफरेंसेज एंड देन परफॉर्मेंस. एंड यहाँ पे यू कैन सी हिस्ट्री स्टैट्स इज 50. सो अगर आप चाहो तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो. यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम अप टू 1000 आप उसको इंक्रीज कर सकते हो. फाइन, इन माई केस आई विल कीप इट अप टू 50 ओनली. सो आई विल सेलेक्ट दिस एंड टाइप 550.
फाइन, देन प्रेस ओके। नाउ अगर आपको कभी ऐसा करना है कि आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट पे वर्क तो कर लिया बट आपको अपनी फाइल रिवर्ट करनी है, रिवर्ट मीन्स कि जैसे आपने ओपन करी थी आपको वैसे ही चाहिए, सो उसके लिए सबसे इजी वे तो है कि आप अपनी फाइल को क्लोज कर दो एंड जब वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको अपने चेंजेस सेव करने हैं या नहीं तो आप नो पे प्रेस करके उसे रीओपन कर लो। जब आप उसे रीओपन करोगे तो जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो सारे तो अपने आप हट ही जाएंगे। एंड क्लोज करने के लिए आप सिंपली फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लोज प्रेस कर सकते हो, तो उससे आपका ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। फाइन, सेकेंड ऑप्शन वी हैव इज फाइल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है रीवर्ट का, आप उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो F12। तो जब आप रीवर्ट पे क्लिक करते हो तो जैसे आपने ओपन करी थी वो एज इट इज़ आ जाएगी रिगार्डलेस ऑफ आपने उसमें क्या क्या किया है। फाइन, थर्ड ऑप्शन वी हैव इज़ जो हमारा हिस्ट्री पैनल है इसमें सबसे ऊपर आप देखोगे जो जब भी आप इमेज ओपन करते हो तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट आता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपने ओपन किया। वैसे तो अगर आप ओपन पे भी क्लिक करोगे तो वो जैसा आपने ओपन किया था वैसी आ जाएगी, बट स्टिल यहाँ पे जो ऑप्शन स्नैपशॉट का, सो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपकी जैसी वो फाइल थी वैसी एज इट इज़ ओपन हो जाएगी, जैसी कि आपकी मतलब सबसे स्टार्टिंग में थी जब आपने कुछ भी इसमें चेंजेस अप्लाई नहीं किए थे। फाइन, एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप एक बार एक फाइल को क्लोज कर देते हो, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे हिस्ट्री पैनल में ये सारे टूल्स आ रहे हैं या फिर ये सारे वो स्टेप्स आ रहे हैं जो कि मैंने इसमें किया है, बट अगर मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देती हूँ एंड अगर मैं उसे रीओपन करूँगी तो मेरे को ये सारे स्टेप्स विजिबल नहीं होंगे। फाइन, जैसे आप फाइल को क्लोज करते हो तो आपका हिस्ट्री पैनल ब्लैंक हो जाता है। सो यू कैन सी व्हेन वी यूज दिस कमांड वी हैव अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स यू ट्राई। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।